क्वेश्चन 37 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 37 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट 10 इनवर्स एक्स टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू पावर 8 डीएक्स। इस क्वेश्चन को हमने 4 स्टार दिया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा दिल लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत बातें हो गया, आते हैं कि हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाए। तो यार देखो, मैं तो अगर मुझसे पूछो तो मैं ये बोलूंगा कि आप ऐसा करो कि आप 10 इनवर्स x टेंडिंग टू पावर 4 को मान लो। ठीक है, क्या मानोगे? जो अभी तक मानते हुए आए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन 10 इनवर्स x टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टेंडिंग टू पावर 8 dx। मान लेते हैं पुट 10 इनवर्स x टेंडिंग टू पावर 4 इज इक्वल टू t। अब करो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करोगे, लास्ट क्वेश्चन है तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब देखो 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था, पहले उस पर फोकस करो। 1 प्लस x² होता है, ठीक ऐसा ही रहेगा, कंफ्यूज मत। ठीक, x² तब होता है जब x का पावर कुछ ना हो। अब पावर जो है तो पावर के साथ में स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और अच्छे से लिख लिया। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका पावर का, तो पावर का करेंगे तो आपको मिलेगा करके बता दे, तो एक्स का पावर 4 है, पावर आगे आएगा एक्स की। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन आपके लिए मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लिख दिए हैं आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तो वो चीज शो करना पड़ेगा मुझे। और टी का डिफरेंशिएशन dt/dx, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। चलिए पहले सजा के लिखते हैं, 4x³ / 1 प्लस इसके पावर मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट में अगर है 1 पावर m और इसका होल पावर n है, तो बेटा होता है ये 1 पावर m × n। ठीक है, तो यानी कि x का पावर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इज इक्वल टू dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये पलट जाएगा और कुछ नहीं होगा, dx इज इक्वल टू 1 प्लस x टेंडिंग टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 4x³ dt। ठीक है, चलते हैं वापस। इंटीग्रेशन ऑफ x³ sin t डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टेंडिंग टू पावर 8 और dx हमने निकाल के लाया है 1 प्लस x टेंडिंग टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 4x³ dt। ठीक है, x³ से x³ मर जाएगा और इससे ये मर जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है -cos। अच्छा एक चीज छूटा, 1/4 को बाहर कर देते हैं, छूटा तो यह मैनेज करेंगे, cos t प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट वैल्यू रखो, -1/4 cos 10 इनवर्स x टेंडिंग टू पावर 4 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर है। जरा देख लू कटा तो। ठीक है, अब दो क्वेश्चन जो बचे हैं आपके, क्वेश्चन 38 और 39, 38 एंड 39, ये MCQs है बेटे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन उतार के डायरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं 38, इंटीग्रेशन ऑफ 10 x टेंडिंग टू पावर 9 प्लस 10 टेंडिंग टू पावर x log e 10 डिवाइडेड बाई x टेंडिंग टू पावर 10 प्लस 10 का पावर x और dx। ठीक, इसके ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है,
ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, टाइम बच जाएगा। अब क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे जरा सोचो। देखो इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि जो है ना अपना बेस वो यार बिल्कुल क्लियर रखो। डिफरेंशिएशन अगर आपका क्लियर है तो मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम मान लेते हैं पुट x टेंडिंग टू पावर 10 प्लस 10 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू t। चलो x का पावर है 10, पहले पावर आ गया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में 1 जाएगा 9 बचेगा। याद करो जरा सा कि e का पावर x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x log a और बेस में रहेगा ही, ठीक है, प्लस तो 10 का पावर x log e बेस 10 है, ठीक है, बेस में e है और 10 है, और इसका डिफरेंशिएशन dt by dx, यहां से हम dx निकालेंगे तो मिल जाएगा dt by 10 x tan into power 9 plus 10 tan into power x log 10 बेस e, ठीक है। चलते वापस, इंटीग्रेशन ऑफ 10 x tan into power 9 प्लस 10 tan into power x log 10 e बेस डिवाइडेड बाई x tan into power 10, यानी इसको हमने t माना है, कोई बात नहीं, चलो लिख दिया। dx देखो जरा सा क्या आया है, तो dt by 10 into x tan into power 9 plus 10 tan into power x log 10 base e, ये पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t dt, 1 by t का इंटीग्रेशन log mod of t plus arbitrary constant log, ठीक है, ब्रैकेट है ऑर्बिटर स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं, हमने मान के रखा है x टेंडिंग टू पावर 10 प्लस 10 टेंडिंग टू पावर x प्लस c। इसको और लिख सकते हो, पहले आंसर मैच करा दूं क्या है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सजा के लिखा, कोई बात नहीं। तो लिखा एनसीईआरटी ने log 10 टेंडिंग टू पावर x प्लस x टेंडिंग टू पावर 10 प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ये आंसर है। आगे की ऑप्शन कौन सा अपना सही है, तो ऑप्शन बेटा आपका डी जो है डी करेक्ट है, ठीक, डी ऑप्शन अपना करेक्ट, गलत तो नहीं लिखा ना, ठीक। एक क्वेश्चन और है उसको करा देते हैं, फिर एक्सरसाइज आपका 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 39, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, डीएक्स तो पहले लिख चुके हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और क्या लिखा है, इक्वल्स है ना, इस क्वेश्चन में भी हमने नहीं लिखा है इक्वल, किसके इक्वल, तो डी इसका तो चलो ऑप्शन सही है। क्या करोगे जरा से सोचो, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा मैं दिखाता हूं, आइए जरा सा, पहले मैं आपको टेंथ तक लेके चलता हूं, ठीक। देखिए आपने पढ़ा साइन में स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to 1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या 1 by sin square x into cos square x theta लिख रहा हूं, और dx क्या हम 1 को लिख सकते हैं sin square theta plus cos square theta, लेकिन theta के प्लेस पे आपके पास में क्या है x है, तो आप ये x रखेंगे, एक्स रखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस इनटू इनटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, अभी भी कुछ नहीं करना है, पहले अलग करो,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कुछ कैंसल आउट हो रहा है। देखो जरा से साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसल होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल आउट होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर से आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले याद होना चाहिए, जरा याद करो। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वन बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कर दो इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां के बाद अब कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरीके से आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी आपका जो है 7.2 कंप्लीट होता है। अपना जो ऑप्शन है वो बी बेटे करेक्ट है, ठीक है। तो यार देखो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 12 जो है वो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, अगर नहीं सुधारेंगे तो हम उसका अलग एक सेपरेट सॉल्व करके लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, और नहीं होता तो कर ही देते हैं यार, देख लो क्वेश्चन 12 जो है वो कर ही देते हैं। देखो अपने पास जगह है इतना में हम कर ही लेंगे। क्वेश्चन 12 में हमसे क्या मिस्टेक हुआ जरा देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन का पावर है 1/3 एक्स टेंडिंग टू पावर 5, ठीक है, और ये डीएक्स कर देते हैं। देखो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अपने पास इधर भी जगह है कर देंगे। तो हम पुट करें अगर इसको एक्स क्यूब माइनस वन को सब्स्टिट्यूट कर लें टी, ठीक है, पुट करते हैं, पुट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टू, ठीक कर दिया। चलो डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और 1 का 0 डी टी बाई डी एक्स, यहां से निकाल लेते हैं डीएक्स, तो dx निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा dt टी बाई 3x², ठीक है। चलते हैं वापस, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/3 और x का पावर 5 है, कॉपी कर लिया, dx निकाल के लाया हमने dt टी बाई 3x². देखो दो पावर कैंसिल करेंगे तो यहां बेटा 3 मिलेगा, ठीक, कोई बात नहीं। यहां से हमें x की वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हमें एक्स क्यूब इक्वल टू मिल जाएगा t माइनस 1, ठीक है, कोई बात नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 1/3 है लिख दिया, और इंटू टी माइनस 1, 1/3 दोनों के लिए है, हम बाहर ले लेते हैं 1/3 को, और ये मिलेगा यहां से dt, ठीक है। देखना बेटे 1/3 मल्टीप्लाई करो तो टी का पावर मिल जाएगा 5/2, सॉल्व करने जाओगे ना 1/3 + 1 तो ये मिलेगा 3 × 1 = 4, 4/3 है ना, 4/3 डी टी, और -1/3 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा टी का पावर 1/3 डी टी। ये गलती हमसे हुआ, ठीक है, चलो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हटा दें थोड़ा सा, है ना, और इधर दबा लें तो कटेगा नहीं, 1/3 टी का पावर 4/3 है ना, 4/3 पावर 1 ऐड करो जरा सा,
तो ये आ जाएगा 3, यानी कि 7/3, 7/3 माइनस 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 प्लस 1, और ये भी है 7/3 डिवाइड में 7/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, माइनस टी का पावर आ जाएगा 4/3, 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3, देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, यानी कि फाइनली अपने पास में क्या मिल रहा है, फाइनली अपने पास इधर को रखो, फाइनली अपने पास में मिल रहा है टी का पावर 7/3/7 माइनस 1/4 टी का पावर 4/3, टी की वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, टी हमने मान के रखा है, यानी कि 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 7/3 माइनस 1/4 और एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर आ जाएगा 4/3, ये अपना आंसर है। जरा देख लो बेटे अगर कटा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन करना हमें चाहिए था, जो मिस्टेक हो चुका था। ठीक है, मिला ले आंसर। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा यहां पे प्लस आ रहा है, हम क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करेंगे, यहां पे आ रहा है आपका क्वेश्चन 12 में प्लस आ रहा है। ठीक, हाँ ठीक है, यहां पे देखो इधर जाने के बाद में ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये प्लस आ जाएगा, 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 और तो कहीं नहीं बचा, नहीं, तो इसी की वजह से जो है मिस्टेक आ रहा था। तो हो जाता है यार कभी कभी जो है ना सॉल्व करने में मिस्टेक आ जाता है, तो थोड़ा सा इग्नोर किया करो और उसको जो है ना सॉल्व कर लिया करो। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है, कॉपी किया जाए।